Hi friends, good morning. It's time to pack up, wind up and go back home. Ready girls? Yeah! तो जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये रिजॉर्ट दिखाऊं जिसमें मैंने स्टे किया था. तो ये जो रूम है ये है 1 BHK अपार्टमेंट. दिस इज़ अ ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में बालकनी भी है, टीवी भी है, सोफ़ा कम बेड है, एक मिनी किचन भी है. गैस स्टोव नहीं है. जो यहाँ के परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें गैस स्टोव भी मिलता है कुकिंग के लिए. मिनी रेफ्रिजरेटर है. और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स बेडरूम. यहाँ पे भी डबल बेड है, कबड है, कबड के अंदर लॉकर भी है और टीवी एसी भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है. अब हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए. तो मैंने तो यहाँ पे 4 दिन स्टे किया है. दिस इज़ माय लास्ट डे, 4 डे. ब्रेकफास्ट मुझे बहुत पसंद आया. हम लोग बाहर आ चुके हैं बट मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनके ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. मास्क जो मेरे पीछे है, दिस इज द लाइव काउंटर फॉर एग्स. सो एनी काइंड ऑफ एग वेराइटी इफ यू वॉन्ट, सो यू कैन हैव इट. दिस इज जस्ट आउटसाइड द गेट, सो यू कैन सी आउटसाइड सिटिंग अरेंजमेंट भी है और इनसाइड भी है. Karma Resorts from outside. ये बीच में फाउंटेन है. शाम को लाइट्स चलती है और ये फाउंटेन ऑन हो जाता है. हम लोग शॉर्टकट से चलते हैं रिसेप्शन में. तो ये रिसेप्शन है. इनके अपार्टमेंट्स ऐसे 4 स्टोरीज हैं. रिसेप्शन एरिया. और यहाँ से हम लोग एग्जिट हो गए. तो अगर मैं ये लेफ्ट की तरफ जाती हूँ तो रेस्टोरेंट पूल आ जाता है और बच्चों का प्ले एरिया आ जाता है. और ऐसे हम लोग राइट की तरफ जाते हैं तो सारे अपार्टमेंट हैं. चलो हम लोग चलते हैं अभी. ये रिसेप्शन का बैक डोर. ये लेन जाती है टुवर्ड्स रेस्टोरेंट. दिस इज स्विमिंग पूल, रिक्रिएशन एरिया, पूल बार. तो चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं. ये छोटा पूल बच्चों के लिए है. तो अनन्या और अनिका ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया है इस पूल के अंदर. वो सारे आगे बेड्स हैं. तो इस पॉइंट से टॉवल्स इश्यू होते हैं. फ्रेंड्स ये इनका इंडोर रिक्रिएशन एरिया है. पूल, पैडल, दूसरी पैडल बोर्ड है. यहाँ पे कैरियोकी होता है. सॉन्ग्स पे होता है, यू कैन सिंग अलोंग. हम लोगों ने कल एक कॉम्पिटिशन टाइप किया था. Thank you.
सो फ्रेंड्स, अगर हम ये पूल के लेफ्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच। हम लोग चलते हैं किड्स प्ले एरिया में। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का, बहुत मज़ा आता है घूमने में, बिल्कुल शांति से। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। अभी मैं आपको विलास दिखाती हूँ बिल्कुल पास से, जो इनके विलास हैं। ये देखो कितनी ग्रीनरी है, मतलब कितना मज़ा आता है यहाँ पे। कर्मा के बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं गोवा में और ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड में। दिस इज़ द विला। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप ले रखी कर्मा की, दे आर अलॉटेड द विलास। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट वन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका मेंबरशिप प्लान। तो पूरे वर्ल्ड में वी कैन एक्सेस एनी ऑफ देयर होटल्स। तो पीछे 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 बहुत बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं इनके यहाँ पे। दिस ऑल विलास। बच्चों ने मेरे इतना एंजॉय किया यहाँ पे इनका रिजॉर्ट, इसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये इनका गार्डन एरिया है जहाँ पे थोड़े झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए। को दिखा देती हूँ, अंदर चलते हैं। पीछे बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, वो सब भी है। इसी गार्डन में फायर असेंबली पॉइंट, सो दिस वन इज बैडमिंटन कोर्ट। टेबल टेनिस अंदर किड्स एरिया में था, मैंने आपको दिखाया था। क्रिकेट पिच, चलते हैं अब हम लोग टुवर्ड्स स्पा। दिस इज द मिनी स्टोर। सो दिस इज द मिनी स्टोर, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, डेट टू ऑन MRP। तो आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे मिलता है मिनी स्टोर में। हम लोगों ने भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पे जो भी चाहिए था ले लिया था। और मिनी स्टोर के ही बाजू में है स्पा, आपको स्पा भी दिखाते हैं। कर्मा स्पा, अदर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, सो वी कैन नॉट गो इनसाइड राइट नाउ, बट है इनके पास स्पा। दिस इज द जिम। Karma Resorts Benolim, they have approx 177 different sorts of rooms. I really enjoyed the stay here. In fact, Karma Hathi Mahal, I went there in the morning, wo bhi bahut bahut acha. So bas abhi time to wind up, hum log ja rahe hain ghar, ho rahi hai packing. Agle videos aayenge Mumbai se hi, aur definitely maine Mumbai mein bhi kuch special sa plan kiya aap logo ke liye. To milte hain ab Mumbai mein, bye bye. So guys, subah ke baj rahe hain, kitne baje hain? 5:00, और जर्नी हमारी ख़त्म हो गई है, हम मुंबई घर पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो अनिका सो रही है, रजी वेट कर रहे हैं बस स्टेशन आने का। बस घर पहुंचने में लगेगा हमको आधा घंटा और। और अगर आपको हमारी गोवा डायरीज पसंद आई हो, हमारे सारे ब्लॉग्स पसंद आए हो, तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन